हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। आज मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक चीज़ के बारे में, एक कंसेप्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। इससे रिलेटेड मेरे जो अंडरस्टैंडिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं पूरा सेटअप आपको बता देता हूँ कि मैं आपको कौन सी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो लोग कुछ सेविंग करते हैं, हर आदमी अपने जो डेली एक्सपेंसेस रहते हैं वो सब छोड़ के कुछ पैसे बचाता है। गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी कहीं पे इन्वेस्ट करता है, सेविंग करता है, कुछ कैश में सेव करते हैं तो कुछ ज़मीन या फिर कुछ गोल्ड वगैरह ऐसे इक्विटी अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सब करते वक्त बहुत सारे लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग में चीज़ मिस आउट हो जाती है कि जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीज़ों में इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि लोग समझते हैं कि मैं 1 लाख रुपए बचा रहा हूँ या फिर मैंने फिक्स डिपॉजिट में डाले हुए हैं जहाँ पे मुझे 8% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, या फिर मैंने इक्विटी में डाले जहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिजल्ट एवरेज आउट हो के मुझे मिल जाएगा वगैरह वगैरह। तो वो सोचने लगते हैं कि मेरे जो आज 1 लाख रुपए है, वो सिंपल कैलकुलेशन करते हैं कि उसमें 8% इंटरेस्ट रेट है। जब भी आप बैंक में जाते हैं FD वगैरह निकालने या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपको इन्वेस्टमेंट्स के कॉल आते हैं तो वो लोग आपको बताते हैं कि आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट से आपको इतने मिल जाएंगे, आप करोड़पति बन जाएंगे 20 साल में, जब आप रिटायर होंगे तो आपके पास करोड़ों रुपए होंगे। तो ये जो फ्यूचर वैल्यू है एसेट की या फिर फ्यूचर वैल्यू है पैसे की, उसमें एक सबसे बड़ा फ्लॉ है, वो है इन्फ्लेशन, जिसे महंगाई कहते हैं, जो कि दिख के नहीं आता है मगर वो सिस्टम में रहता है और आपकी इन्वेस्टमेंट को, जो आपकी फ्यूचर वैल्यू इन्वेस्टमेंट को, उसको सबसे ज़्यादा यही इम्पैक्ट करता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे मैंने 8% इंटरेस्ट रेट पकड़ा है और इन्फ्लेशन रेट 6% पकड़ा है, जो कि बहुत वैरी होते रहता है मगर मोस्टली 6% या फिर उससे ज़्यादा ही होता है। फिलहाल तो वो 4-3% के आसपास चल रहा है मगर ये बहुत वैरी होता है। तो एवरेज आउट करके 6% मैंने पकड़ा हुआ है और इंटरेस्ट रेट तो 8-9% से ज़्यादा मुश्किल से बढ़ते हैं, तो 8% एवरेज आउट पकड़ा है। और सपोज़ आपने, आपके पास 1 लाख रुपये या फिर 1 लाख की आपके पास वेल्थ है, तो वो 8% की ग्रोथ से, जैसे कि मिनिमम फिक्स डिपॉजिट का मैंने पकड़ा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है या फिर इससे कम भी हो सकता है। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते, इस करंट अकाउंट में रखते हैं, तो 4-5% से भी ग्रो हो सकते हैं। तो वो 8% से ग्रो होके वो हो जानी चाहिए 2,21,000 रुपये। तो अभी आप सोचेंगे कि मेरे पास आज 1 लाख रुपये है, मैंने वो FD में रखा है या फिर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वगैरह सब मिला के मुझे 10 साल के बाद मिलेंगे 2,21,000। मगर ये जो आइडिया है, ये जो कंसेप्ट है इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट का, इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट है इन्फ्लेशन। अगर आप ये 8% इंटरेस्ट रेट पे हर साल का 6% का अगर इन्फ्लेशन पकड़ते, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, आप अगर आज कोई अज्यूम कीजिए मोबाइल फ़ोन है, बुक्स है या फिर कोई खाने की चीज़ें हैं या फिर TV है या फिर जूते हैं, ऐसी रोज़मर्रा की पहनने की चीज़ें, कपड़े हैं, तो उनकी आज की कीमत अगर सब मिला के 1 लाख होती है तो उसकी आज की कीमत सपोज 100 रुपये होती है, तो ज़रूरी नहीं कि 1 साल बाद वो 100 रुपये में ही बिके। उसमें महंगाई ऐड हो जाएगी 6-7% की। लोग बोलेंगे महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के भाव बढ़ गए या फिर रिसोर्सेस कम हो गए, स्केयरसिटी जो ड्राइव करती है महंगाई को, वैसा कुछ हो गया और वो चीज़ मिलने लग गई 100 रुपये की 110 रुपये को। अगले साल वही चीज़ उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट रेट ऐड करके मिलेगी 120 रुपये में। इसका सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऐसे हो सकता है कि 10 साल पहले आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे उन सब चीज़ों के भाव लगभग 2 गुना हो गए हैं, 1.5 गुना हो गए हैं या फिर बढ़ गए हैं। तो वो महंगाई का फैक्टर है। तो आप सोचिए कि आपके पास जो 1 लाख रुपए हैं वो 10 साल बाद उनकी कीमत भले ही 2,21,000 दिखेगी, मतलब 2 गुना 2.25 गुना उसकी कीमत हो जाएगी, मगर अगर इन्फ्लेशन का उसके ऊपर इम्पैक्ट देखते हैं तो उसकी आज के करंट मार्केट रेट के हिसाब से वैल्यू हो जाएगी सिर्फ 23% ज़्यादा, जो कि 1,23,000 होगी। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें कंसिडर करनी चाहिए इन्वेस्टिंग करते टाइम, कि आप जो भी सोच रहे हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए, ये सेम कैलकुलेशन आप 10 लाख के लिए यूज़ कर सकते हैं, 1 करोड़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन आएगा मगर ये जो इम्पैक्ट है लगभग हाफ के बराबर, मतलब ये सवा दो गुना के बजाय सवा गुना ही सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसकी कीमत के वजह से। आपको आई होप समझ में आया होगा कि महंगाई आपकी जो भी पैसे की
कॉस्ट है उसको कम कर देगी और उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी इतनी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, हमें समझना चाहिए। और यही एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हमें ड्राइव करता है इक्विटी की तरफ, या फिर जो हमें ड्राइव करता है अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ की तरफ, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा, जो फिक्स इंटरेस्ट रेट 8% या फिर जो महंगाई को बीट कर सके, ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में हमें जाना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह है ये महंगाई। अगर आप महंगाई को बीट नहीं करेंगे तो आपकी ये जो रिटर्न है 2,21,000, भले वो वैल्यू में दिखेंगे 2,21,000, मगर उनकी एक्चुअल जो कमा खरीदने की क्षमता, जो मार्केट से बाइंग पावर जिसे कहते हैं, वो सिर्फ 1,23,000 होगी। तो ये सेम अगर आप 10 लाख को लगाते हैं और सेम कैलकुलेशन कैलकुलेट करते हैं, तो 10 लाख के 22 लाख आपको दिखेंगे, मगर उनकी एक्चुअल कीमत जो होगी जिससे आप खरीद सकेंगे, वो सिर्फ 12 लाख होगी। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप जो सोच के चल रहे हैं कि 10 साल के बाद मेरे पैसे, मेरे जो सेविंग है वो 2 गुना हो जाएंगे या फिर 2.5 गुना हो जाएंगे FD में या फिर वैसे इंटरेस्ट रेट में, उन सब की जो फाइनल वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से सिर्फ और सिर्फ 20% बढ़ के रुक जाने वाली है। तो इस पे सॉल्यूशन क्या है? एक तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म के ऊपर मिलते हैं, ऐसे आश्वासन दिया जाता है, उस पे कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो वो एक तरीका हो सकता है कि जिसमें 15-20% के एवरेज रिटर्न 10-20 साल के पैरामीटर्स पे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में तो और अच्छे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, आप ज़मीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर कोई अलग टाइप के आपके बिजनेसेस हो जिसके अंदर महंगाई को बीट कर सके, ऐसे रिटर्न आ सकते हैं। तो ये मुझे आपको बताना था कि आप जो सोच के चल रहे हैं कि आपके पास 1,00,000 रुपए है कि आपके 10 साल के बाद दुगनी कीमत हो जाएगी, तो वैसा नहीं होने वाला है। उसकी कीमत एग्जैक्ट 2 गुना से कम, यानी कि 1,23,000 तक आ जाके रुकने वाली है। तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग शेयर मार्केट फ्रेंड।